अभी चलते चलते जा रहे क्रॉफर्ड मार्केट, और क्रॉफर्ड मार्केट में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, और इनका भी पहला स्टार्ट किया था बट इतने क्राउड लेके मैम की तरफ से पार्टी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल, मैं हूं अरसलान। और गाइस मैं आज आया हूं मिनारा मस्जिद, यहां पर मेरे साथ दो लोग और हैं जो कि है तैफूर भाई और आफरीन मैम। वालेकुम अस्सलाम। तो गाइस अभी हम लोग यहां पर आए हैं और यहां पर फिर से एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहां पर तैफूर भाई मुझे बहुत टाइम से पहचानते, मैं जिम करता था। हेलो, क्या बोलेंगे? तो गाइस यहां पर मुझे छोटे छोटे सब्सक्राइबर्स मिल चुके हैं। मेरा चैनल अब तक आया नहीं, फिर भी मेरे को भी मिल रहे हैं। नहीं नहीं, आएगा इंशाल्लाह। तो गाइस मेरा भाई भी जल्दी चालू करने वाला है और मैम भी जल्दी चालू करने वाले हैं। तो अभी ये भाई भी बोले कि मेरे साथ ब्लॉग बनाने के लिए। तो आपका नाम क्या? उसामा। तो वालेकुम अस्सलाम। माल घर से यहाँ पर पब्लिक आ रही है, माशाल्लाह मोहम्मद अली रोड की बरकतें देख रहे हो। मुझे छोटे सब्सक्राइबर मिलना है इब्राहिम भाई और यहाँ पर उनके अब्बा। तो गाइस मीनारा मस्जिद का जो क्राउड देखकर हम लोग आगे आ गए, क्योंकि क्राउड देख के हमारी भूख भर चुकी है। क्या बोलते हैं पूरा भाई, हकीकत में बहुत क्राउड हो गया ना। कौन जेब में हाथ डाल रहा है मालूम भी नहीं पड़ रहा उसको। और कौन कहाँ से ब्लॉग बनाएगा अपना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यानी कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ब्लॉग तो कोई और बनाएगा। और इनका भी पहला स्टार्ट किया था बट इतने क्राउड देख के मुझसे ब्लॉग ही नहीं बना। नहीं कोई बात नहीं, बन जाएगा। कोई बोलेगा मैम है ये हम लोग की, मतलब क्या बोले वो इंट्रोडक्शन बाद में देंगे। हाँ, बाद में इनकी लाइफ स्टोरी मालूम पड़ेगी। ये मैम है और ये बच्चे लोग को पढ़ाते हैं, जो कि हम लोग भी बच्चे लोग हैं, पढ़ा रहे अभी भी हम लोग भी पढ़ रहे हैं। तो गाइस अब इनके चैनल पर जाके देखिए इनकी लाइफ स्टोरी पूरी, वो जल्दी बनाने वाले हैं। फिलहाल अभी बहुत सारी चीज़ें आने बाकी है इंशाल्लाह। और अभी जैसे कि आखिरी दिन बचे हुए, मैं बस शॉपिंग करने निकला हूँ। अभी चलते चलते जा रहे क्रॉफर्ड मार्केट, और क्रॉफर्ड मार्केट में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है देखना पड़ेगा, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं आप लोगों को। तैफूर भाई तुम्हारी शॉपिंग हो गई भाई? मेरी हाँ ऑलमोस्ट हो चुकी है, बट अभी कल चांद रात के दिन हम लोग खरीदी करेंगे, क्योंकि क्या सस्ता मिलता है ना भाई। अरे हाँ ये बात भी है, चांद रात के दिन भी निकले गाइस, अगर नहीं कुछ मिला क्या ले सकते देखना पड़ेगा। और तैफूर भाई और मेरी जो दोस्ती है वो मतलब एकदम अचानक स्टार्ट हुए। मैं यहाँ पर आया था दरगाह पे सलामी देने के लिए, और तैफूर भाई दरगाह पे सलामी देने के लिए आया था। और तैफूर भाई एकदम अचानक में मिले, मैं नहीं जानता था तैफूर भाई को। और तैफूर भाई मुझे बोले भाई मैंने आपको देखा ऐसा, तो मैं बोला हाँ। और उसके बाद से ना हम लोग मतलब जब भी देखता हूँ, जब भी कुछ करता हूँ ना, तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है हम लोग बहुत अच्छे से मिलते और वैसी बॉन्डिंग हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी इनके जो म्यूचुअल्स है वो मेरे भी म्यूचुअल्स है। यस गाइस, तो उस हिसाब से हम लोग और थोड़े मतलब स्ट्रांग हो गए गाइस। डेली फजर में स्ट्रांग ये हो रहे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। स्ट्रांग ये हो गए, मैं तो मोटा ही हो रहा हूँ गाइस। बाद में मिलते हैं गाइस। तो गाइस अभी हम लोग को थोड़ी सी जगह मिली है घुसने की, हम लोग वहाँ से घुसने का ट्राई करें नहीं घुस पाए, दूसरी जगह से घुसने का ट्राई करें नहीं घुस पाए। अभी एक वाहिद ऐसी गली है तैफूर भाई, हाँ हालत खराब हो गई, बहुत रश है, देखते हैं गाइस अभी। चलो तैफूर भाई। हाँ बहुत रश लग रही है, मैं तो बोलता हूँ चलते चलना है भाई, यही तो मजा है चलते, मैं तो बोलता हूँ तैफूर भाई नहीं जान दो, अंदर जाएंगे ना। चलो आओ, मैम की तरफ से पार्टी है। नहीं गाइस, तो अभी हम लोग बस आगे चलते हुए जा रहे, जाने के बाद देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। तैफूर भाई हाँ भाई चलो बाहर, बस हो गया। नहीं नहीं नहीं, तुम चलेंगे अंदर, अतरंगी अरसलान आज अंदर चलेगा। क्राउड देखो गाइस। तो गाइस फाइनली हम लोग मीनारा मस्जिद से बाहर आ चुके हैं, और यहाँ पर अभी सबका घर जाने का टाइम हो चुका है। मैम भी घर पे जा रहे हैं, तैफूर भाई भी घर पे जा रहे हैं, मैं भी रहूंगा तुम्हारे साथ थोड़ी देर। हाँ मतलब फिर उसके बाद थोड़ा आफरीन मैम का जो इंस्टाग्राम हैंडल है वहाँ पर एक स्टोरी पोस्ट किया आफरीन मैम ने, जो बोले है कि अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया या मैं स्टार्ट करूं या कुछ ऐसा, तो गाइज मैं नहीं बोलूँगा आपको क्या करना है। अगर आपको उनको देखना है ब्लॉगिंग करते हुए तो आप लोग जा सकते हो बराबर ब्लॉग करने के लिए, और ब्लॉग करने के लिए बोलो मैसेज करो आप, ब्लॉग करें वो, और बहुत सारे एक्साइटिंग वीडियोस आने वाली है साथ में भी आएगी बहुत सारे इंशाल्लाह। और गाइज आफरीन मैम की स्टोरी हो आफरीन मैम खुद बताएंगे, और गाइज मैं सिर्फ एकदम चंद लफ्जों में बोलूंगा कि आफरीन मैम कोलैबोरेशन करते हैं, तो आप लोग वहां पर भी जाके देखिए कि उनके पेज पे क्या क्या कोलैबोरेशन है। बस मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है उनको उनकी लाइफ स्टोरी मैं ही बोल दूँ। भाई अब मेरा भी तुम नहीं नहीं तुम टेंशन मत लो, नहीं नहीं तैमूर भाई बहुत अंदर के गाइस, अभी मैं आईडी बताऊंगा नहीं इनकी,
वरना आपको बाद में मालूम पड़ेगा कि तैफूर भाई क्या चीज है। यस बहुत नहीं बोलूंगा। तो गाइस मिलते हैं आपको, अभी घर जाते बस थोड़ी देर में मिलता हूँ मैं आपको पर्सनली। सो गाइस जैसे कि आपने पहले वाली वीडियो देखे थे हमारी कि हम लोग बहुत धक्का धुक्की कर कर यहाँ पर आए थे, सुबह का मैं टाइम बताता हूँ। ये देखो गाइस सुबह का ये टाइम है, यहाँ पर बाइक अलाउड नहीं रहती, याद है पूर्व रात में चलने की जगह नहीं थी, जब हम लोग बाइक लेके घुस रहे अंदर, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और अभी देखो गाइस ये ऐसा दिखता है सुबह सुबह का टाइम। अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे, फिर मिलते हैं आपको, फिर देखते हैं उठ के कुछ ना कुछ तो करेंगे, या तो अगर नहीं तो ब्लॉग को इधर ही एंड कर देंगे इंशाल्लाह। डोंट फॉरगेट लाइक करना, लाइक करना, शेयर करना। और गाइज तैफूर भाई का भी बहुत जल्दी आने वाला है इंशाल्लाह, और मैम का भी आने वाला है, तो मैं मैम का यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन लिंक पे डाल दूंगा। और तैफूर भाई अभी बनाएंगे, थोड़ा उनको मोटिवेशन की ज़रूरत है इंशाल्लाह। मोटिवेशन तो मेरे को भी है, मतलब मेरे को भी मोटिवेशन की ज़रूरत तो मेरे को भी है, लेकिन देखते हैं गाइज हमारे हसन भाई का सपोर्ट। अरे बस क्या नहीं, तुम सबको ऊपर करने वाले, मतलब समझ रहे सपोर्ट। अगर मेरे को भी कोई देखो मैं अकेला कभी ऊपर आया नहीं, समझे, सपोर्ट सबका अच्छे रहता है इंशाल्लाह। भाई अपने भाई लोग को ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, मेरे को भी सपोर्ट आता रहेगा, आप लोगों को भी सपोर्ट आता रहेगा। बस गाइस हिम्मत मत हारो, ये मैं अपने आप को रोज़ बोलता हूँ, तैफूर भाई को भी बोलूँगा, तैफूर भाई जल्दी से जल्दी चालू कर दो वीडियो इंशाल्लाह। और फिर देखते हैं। और गाइस मैं एक और एक बात बताता हूँ, तैफूर भाई मुझे जिम ट्रेनिंग करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तैफूर भाई को नहीं पता है कि मैं कितना बड़ा ट्रेनर रह चुका हूँ। अभी हम लोग साथ में अभी जिम करेंगे। यस गाइस इंशाल्लाह टाइम मिलेगा तो। हाँ भाई नहीं नहीं तो टाइम निकालना पड़ेगा भाई, टाइम निकालना पड़ेगा। इंशाल्लाह 4 से 5 महीने में अरसलान भाई का ट्रांसफॉर्मेशन देखना इंशाल्लाह। हमें बस ये मैं 6-7 साल से बोल रहा हूँ कि मैं ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा। नहीं मिस्टर ओलंपिया, मिस्टर ओलंपिया भी नेक्स्ट अरसलान भाई होंगे। अरे भाई क्या तुम ओलंपिया होने का बना रहे, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है भाई, मालूम तुमको मेरा हेयरफॉल होने लगा, मैं मोटापा होने लगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है गाइस। भाई मैं चले ये सबको लेकर आऊंगा ऑफिस में, एक हा? मैं जिससे गेनिंग नहीं हो रही है और एक तुम वो जिसकी कटिंग नहीं हो रही है। सही बोल, मैं खाना सूंघ लेता तो मोटा हो जाता हूँ गाइस। क्या बोले मैं अभी, तो चलते हैं गाइस घर पे और फिर मिलते हैं आपको इंशाल्लाह। आपसे रابطہ करेंगे, आजकल मैं बहुत उर्दू सीख रहा हूँ गाइस। हां क्या बात है। तो गाइस मैं आ चुका था घर पे, और घर पर आने के बाद मैं काम करने लगा, काम करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा ही थक गया था, थक नहीं गया था मतलब बहुत ज़्यादा ही हेक्टिक हो गया था, क्योंकि मतलब रमज़ान का टाइम चल रहा है और कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा है। ऐसा नॉर्मली डेज में मैं मैनेज कर लेता हूँ, रमज़ान का टाइम कुछ भी मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। और हाँ गाइज आरती का मैंने सुना और अबरेश भाई का भी मैंने सुना कि अबरेश भाई के जो ससुर है उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, आमीन सुम्मा आमीन। और हाँ गाइज जैसे कि आप लोग ने देखा रहेगा कि आरती का ब्लॉग, आरती ने मुझे इन्विटेशन दी थी, लेकिन मैं कुछ मतलब आप देख लेना, मेरे ख्याल से आरती मेरे से बहुत गुस्सा रहेगी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला हो कि मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ चीज़ें रमज़ान है और थोड़ा बहुत हेक्टिक चल रहा है मेरा, इसलिए मैं खुद के ब्लॉग्स नहीं बना पा रहा हूँ। बस अभी इंशाल्लाह ऐसा है, मैं अभी तक खुद की शॉपिंग नहीं किया हो गाइस, अभी आज 28-29 रोज़ा हो गया है गाइस, मैं खुद की शॉपिंग नहीं कर पाया हूँ, इंशाल्लाह मैं खुद की शॉपिंग करूँगा, देखता हूँ अभी बहुत सी चीज़ ऐसी बची है जो लेना है मुझे, देखते हैं गाइस क्या होता है, कैसी जाती है ईद और क्या मिलता है मुझे कपड़े। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन गाइस। कोई नहीं, और हाँ गाइस मुझे ऐसा लग रहा है मैं व्लॉगिंग करना भूल गया हूँ, पता नहीं क्योंकि मैं बहुत टाइम से एक्टिव नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा ही टाइम से एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों का इतना प्यार देके मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच इतना प्यार करने के लिए, और मुझे मालूम है कि आप लोग हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहोगे इन फ्यूचर भी, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन गाइस। Love you, love us.